ये डाइट फॉलो करो, इसमें इतना प्रोटीन और इतना कार्ब्स हैं, और साथ ही साथ में तुम इन शेक को भी ले सकते हो। इनमें ढेरों सारी कैलोरीज हैं जो तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत मदद करने वाली हैं। दोस्तों, मैं आज इन सारी टॉपिक्स पर बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन सारी चीज़ों का आधार क्या है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आधार पर बातें करता हूँ। तो मेरा पॉइंट नंबर पहला है, सही दिनचर्या। दोस्तों, सही दिनचर्या का मतलब होता है सोने और जगने का सही समय। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि उन्हें खाया पाए पिया शरीर में नहीं लगता। पता है, इनका सबसे प्रमुख कारण देखा गया है कि उनका दिनचर्या का सही ना होना। इनसे भी सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिनचर्या के बारे में चाहिए तो एक और वीडियो बना दी जाएगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो दूसरे पॉइंट है नियमितता और निरंतरता। दोस्तों, यकीन रखना, मेरे इन पॉइंट्स को यदि आप 100% लागू करते हो तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, नियमितता और निरंतरता के बिना तो किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत अलग चीज़ है, तो आपको नियमितता और निरंतरता को जड़ मान करके आपको रेगुलरिटी को इतना अहमियत देना होगा कि एक दिन भी आलस्य और प्रमाद नहीं करना है, और अपनी नियमितता को बनाए रखना है, जो आपके बॉडी बिल्डिंग में बहुत मदद करने वाला है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है धैर्य। दोस्तों, पेशेंस। आजकल के युवाओं में पेशेंस की बहुत कमी देखी जाती है, और पेशेंस की कमी होने के कारण ही तरह तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को इनटेक करते हैं, जिनके कारण उनकी हेल्थ को तो हार्म पहुंचता ही है, साथ ही साथ वे लोग अपने पैसे और श्रम दोनों की बर्बादी करते हैं। दोस्तों, महीने दो महीने जाकर के बॉडी नहीं बननी, बॉडी बनाने में कई कई महीने कई कई साल लग जाते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी बॉडी बन सकती है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, तो वो है शंकाओं को पालना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बाप दादा क्या खाया करते थे? जो चीज़ें खानी चाहिए उन सारी चीज़ों के प्रति हमें शक होता जा रहा है दिन ब दिन, और जिन चीज़ों को हमें त्याग कर देना चाहिए उन सारी चीज़ों से हमें प्रेम होता जा रहा है। दोस्तों, आपको अपना देसी खाना जो घी दूध दही पनीर आदि है उनको अपनाना पड़ेगा, और सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगली पॉइंट है दोस्तों, तनाव। दोस्तों, आने वाले दिनों में युवाओं में तनाव बहुत देखा गया है, क्योंकि वो शुरुआत तो कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन ऐसा रिजल्ट परिणाम ना मिलने के कारण वे तनाव में आ जाते हैं। तो आपको तनाव नहीं लेना है। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत इस वीडियो में के नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसी अनेक जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।